कृष्णा तट पर अमरावती नगर, जहाँ बम 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 भोला अमरलिंगेश्वर। कृष्णा तट पर अमरावती नगर, जहाँ बम 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 भोला अमरलिंगेश्वर। झिमिर झिमिर नदी बहे कथा कहे रे, बिना बोले हंसे खुशी व्यथा कहे रे। खट्टे मीठे रंग चुने बुने जिंदगी, मह 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 के अमरावती की कथाएं, मह 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 के अमरावती की कथाएं। इंसान और जानवर के बीच हमेशा एक अटूट रिश्ता रहा है। इंसान पशु पक्षियों को पालता पोसता है और बदले में पशु पक्षी उसे जो दे सकते हैं देते हैं। कई बार इंसान जानवर के सहारे जीता है तो कई बार जानवर इंसान के। ये वंशी गोपाल और उसके जानवर दोस्त चिन्नू की कहानी है। वंशी बहुत बीमार है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि रोग है क्या। उसका बुखार कई दिनों से नहीं उतर रहा। इसे तो काफी तेज बुखार है। हुआ क्या है डॉक्टर बाबू? वे मलेरिया नहीं है, टाइफाइड नहीं है, फ्लू भी नहीं है। खैर घबराइए नहीं, आप इसे ये गोलियां दीजिए, एक सुबह एक शाम, 3 दिन तक। और फिर अगर बुखार ना उतरे तो मुझे खबर कीजिएगा। कुछ तो भी खाता भी नहीं डॉक्टर साहब, ये देखते हैं। आप दवाइयां तो दीजिए। नमस्कार। आइए। सुनो। क्या बोलते बेटा वंशी? सुनो। पानी पियोगे? सुनो वंशी। सुनो। जी बताओ बेटा। पी लो बेटा। वंशी। अरे वंशी, ये तो काढ़ा भी नहीं पी रहा है, कुछ खाता पीता है नहीं? कुछ तो भी नहीं खाता बैजी। इसका रोग तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी बड़े वैद्य को बुलाना होगा। सुनते क्या, इसकी तबीयत दवा से नहीं ठीक होने की, इसको नजर लगी है। एक बार मेरी भी तो सुनो, ये लम्मा को बुलाते क्या? ये भी करके देखते। तुम ध्यान रखो, मैं लेके आता। हाँ। बोलते बेटा। चिन्नू को बुलाओ ना अम्मा। इधर को? हाँ। कमरे में? हाँ लाओ ना अम्मा। हाँ लाती ना है ना। वंशी की दिलचस्पी अब सिर्फ चिन्नू नाम के इस मेमने में रह गई है। मालूम नहीं दोनों में क्या संबंध है कि वंशी को देखते ही चिन्नू मचलने लगता है और चिन्नू के आते ही बुखार में तपते वंशी की आंखों में चमक सी आ जाती है। वंशी देख चिन्नू आ गया। मां चिन्नू भूखा लगता है, पत्ती दो ना इसको। देती नहीं, तू ज्यादा मत बोल बेटा, कितना तेज बुखार है तेरे को, सो जा। बड़ा अच्छा बेटा है, सो। अरे इसको इधर कैसे बंद के रखा हुआ है? इसकी नजर भी इस पर हो सकती है। डायन चुड़ैले किसी भी जीव में अपना घर बनाती। हटाओ इसको इधर से।
हटालो हटालो गाड़ी हटा। अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, 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 चिन्नो, 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 भाग जा, निकल जा, 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 ना मारे वो पाती हूँ। समझ में नहीं आता, चिन्नू के बिना वंशी चुप रहता ही नहीं, रोता ही रहता है। नहीं नहीं, चिन्नू को उससे दूर ही रखना। यल्लम्मा ठीक बोलती थी, उसमें कोई बुरी आत्मा हो सकती। मगर ऐसे रोने चिल्लाने से तो वंशी का बुखार और भी बढ़ेगा, मैं उसको तकलीफ सहते नहीं देख सकती। तो क्या करूं मैं, सब तो किया, डॉक्टर वैद हकीम सब किया ना मैं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जाकर पूछो तो किसी से, कोई तो होगा जो मेरे बच्चे को ठीक कर सके। कितने दिनों से कैसे तड़प रहता है, तुम होगी कुछ करते ही नहीं है। अब चुप करो, तुम्हें तुम्हारे रोने से ठीक हो जाएगा वो। चिन्नू, चिन्नू, चिन्नू को लाओ ना अम्मा, चिन्नू। जिद नहीं करते बेटे, ऐसे रोते रहोगे तो बुखार और बढ़ेगा। चिन्नू को लाओ ना अम्मा। सो जा, सो जा, रोते नहीं, मेरा बड़ा अच्छा बेटा, सो जा। हाँ बाबा,
अरे ये चिन्नू यहाँ कैसे आया? यार समझते नहीं क्या तू? यल्लम्मा ने मना किया, मैंने मना किया, फिर काय को लाई तू इसको यहाँ? लाती नहीं थी और क्या करती? मैं वंशी को तो तड़ापता नहीं देख सकती, वो चिन्नू के बगैर नहीं रह सकता। वंशी को चिन्नू से अलग करना ही होगा। मैंने मुत्यालम्मा से विनती की है कि अगर हमारा वंशी ठीक हो जाएगा तो मैं चिन्नू की बलि चढ़ाऊंगा। हाँ चिन्नू की बलि? ये कैसे हो सकता है? चिन्नू के बिना तो वो ऐसा क्यों किया तुमने? चुप कर। चिन्नू तो उसकी जान है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करेंगे तो मुत्यालम्मा नाराज नहीं हो जाएगी? फिर क्या करेंगे? क्या तू नहीं चाहती कि हमारा वंशी ठीक हो जाए? क्या बोला था? ये सब मुत्यालम्मा की वजह से हुआ है। मेरे बच्चे पर हमेशा इस कृपा रखना। हमारा बेटा ठीक हो रहा है। मैं अभी खाना लेकर आती। अभी लाती बेटा अम्मा खाना। इसको का, इसको। अच्छा चिन्नू मैं तुझे एक शहरी बाबू बनाऊं? हाँ। क्या सुंदर लग रहा है तू? देख कितना सुंदर है तू, देख देख। अरे देख रे, क्यों शर्माता रे? सुनते क्या? कल मुत्यालम्मा का बलि उत्सव है, क्या करोगे? बलि तो चढ़ानी ही पड़ेगी ना। पर वंशी को कैसे समझाओगे? मानेगा क्या उन्हें? मैं बात करूंगा इससे, समझाऊंगा इन्हें। बेटा मेरे को तेरे से बात करनी है। बोलिए। देखो बेटा जब तुम बीमार हुए थे ना तो मैंने मुत्यालम्मा से विनती की थी कि अम्मा हमारे बेटे को ठीक कर दो, तो
तो मैं बोलिए ना बाबा, तो मैं चिन्नू की बलि चढ़ाऊंगा। चिन्नू की बलि? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं ऐसा नहीं करने दूंगा। वंशी, अरे मुत्यार अम्मा की वजह से तुम ठीक हुए ना, अब मैं अपना वचन नहीं निभाऊंगा तो अम्मा नाराज नहीं हो जाएंगी? और अम्मा नाराज हो जाएंगी तो कुछ तो भी हो सकता, तुम फिर से बीमार पड़ सकते, मैं तुम्हारी अम्मा मर सकते, इस घर को आग लग सकती, कुछ तो भी हो सकता। अब बस, आज ही मंदिर चलना है, ये तुम्हारा पल भर का साथी। बस बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि चिन्नू को देखकर मुत्यालम्मा कहेगी, नहीं नहीं मुझे इसका बलि नहीं चाहिए। आओ। ये तो बहुत बोला बाला है, छोटा तो है ना बाबा ये। ठीक है, अभी चुप करके पूजा के लिए चलो। बाबा, चिन्नू आपको और अम्मा को भी बहुत प्यार करता है, याद है ना उस दिन कैसे आपका कुर्ता पकड़ा था? बाबा, चिन्नू को मेरे गोद में दे दो ना। अभी चुप करेंगे तुम्हें, चलो उधर।